हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जी व्हाट इज द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो कंडीशनल स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत ही मेन पार्ट रहता है, जिसमें आप कंडीशनल बेस्ड लॉजिकल प्रोग्रामिंग जो है कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कंडीशन बनाई कि अगर किसी पर्सन की जो एज है वो 18 प्लस है तो वो वोट कर सकता है, अदरवाइज वो वोट नहीं कर सकता, राइट। और सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हम माने कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 60% है, अगर किसी का मार्क्स 60% से उससे ज़्यादा है तो वो पास है, अदरवाइज वो पर्सन जो है फेल है। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ कंडीशंस रहती हैं, जैसे कि देयर आर अ थ्री फॉर्म ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। फर्स्ट इज द इफ स्टेटमेंट, सेकंड इज इफ एल्स स्टेटमेंट एंड थर्ड इज द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को आप लैडर इफ एल्स भी कह सकते हो और नेस्टेड इफ एल्स भी आप जो इसको कह सकते हो। तो अभी इसकी एक सिंटैक्स हमारे पास रहता है, जैसे कि इफ उसके अंदर फिर कंडीशन देन बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट। सो इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इवेलुएट द कंडीशन इनसाइड द पैरेंथेसिस, राइट राउंड ब्रैकेट्स में आप एक कंडीशन पास करोगे, एंड अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आपका आंसर जो है ट्रू है। बट इफ में एक कंडीशन रहती है कि आप कुछ भी लिख दो, कुछ मर्जी स्टेटमेंट दो, वो उसको ट्रू ही कंसीडर करता है। तो इसके लिए हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट जो रहती है। तो इसकी एक एग्जांपल हम लेते हैं जो हर एक कंडीशन में सेटिस्फाई ही रहेगी। फॉर एग्जांपल, मैंने एक इंटीजर नंबर लिया विच इज़ नंबर, एंड जैसे मैं कोई नंबर दे रही हूँ अगर वो जीरो से ज़्यादा है तो वो एक पॉजिटिव नंबर है, अदरवाइज जो है कंडीशन मेरी नेगेटिव होनी चाहिए थी, राइट। बट इसमें क्या रहेगा, स्टेटमेंट जो है किसी भी केस में फॉल्स नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर जो जीरो से ज़्यादा दोगे वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही रहता है। तो अभी इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है हम रन करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल जो है पहले से सेव करके रख ली है अपनी, जिसमें मैंने सिंटैक्स एंड सब लिख लिया है। अभी हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं इंट एन, ठीक है, सी आउट एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, ओके, एंड लाइन सी इन, सी इन में मेरा नंबर आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे कंडीशन लगा दो, इफ एन इज़ ग्रेटर दैन जीरो, अगर एन की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है, अगर एन की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है तो क्या होगा, जहाँ पे हमारा कोड ब्लॉक चलेगा सी आउट में मेरे पास आएगा नंबर यू एंड नंबर जो एंटर इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो इसको आप एन लिख दो एंड इसके बाद एंड लाइन, ठीक है। अभी अगर नंबर मेरा पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या आना चाहिए था, कुछ और आना चाहिए था, बस जहाँ पे हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू ही रहेगी, मैंने जैसे आपको बताया। तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं नंबर इन दिस केस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि जीरो से बड़ा कोई भी नंबर ले लो वो पॉजिटिव ही रहेगा। देन आप यहाँ पे रिटर्न जीरो कर दो, ओके। इसको हमने सेव ऑलरेडी कर लिया तो इसको सिर्फ रन करना है, मैंने इसको आप रन करके देखो तो यहाँ पे यस इन्वर्टर कॉमा की गलती है थोड़ी सी, राइट। तो अभी आप इसको चेक करो, अभी हमसे एक नंबर मांगा जाएगा, जैसे मान लो मैंने 6 दिया, तो 6 इज़ अ पॉजिटिव नंबर एंड इन दिस केस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो नेगेटिव केस जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम इफ एल्स केस की हेल्प लेंगे इन नेक्स्ट वीडियो, सो वी विल डिस्कस दिस। होप श्योर आपका आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज द सम्राट टेक्नोलॉजीज। थैंक यू सो मच।